हम ये बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग सुंदरता के ऊपर कमेंट मत कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा मम्मी से, आज का ब्लॉग प्लीज मिस मत कीजिएगा। और हाँ, और ये ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा और मम्मी को आज जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि मेरे दोनों बहुएं काफी सुंदर हैं और रंजना भी बहुत सुंदर है, और उसके बारे में ऐसे कमेंट करके आप लोग उसका मन को ठेस मत पहुंचाइए। हर हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस फाइनली जो है मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, और कल रात में काफ़ी लेट हो गया था, 12 बज गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग को उतना अच्छे से भी शूट नहीं किया था। पर अब जो है ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मस्त आने वाला है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा मम्मी से, आज का ब्लॉग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और हाँ, और ये ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा और मम्मी को आज जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए, मेरा हो चुका है 2,94,000 आई थिंक, तो शायद ये ब्लॉग देखते देखते 2,95,000 भी हो जाएगा। पर लव यू सो मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज मैं पूछूंगा कि हमारा गिफ्ट, वैसे तो गिफ्ट से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। पर मज़ा आया ये पूरा ट्रिप, मम्मी का ही दिया हुआ था ट्रिप को कि जाओ तुम लोग भी थोड़ा घूम लो। और क्यों आना पड़ा इसमें आप लोगों को जवाब भी पता चल जाएगा। और भाभी और रंजना ने सबके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लाया है, वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भाई देखिए ये भाप जोड़ रहा है ना, यहाँ पे भाप भी बहुत ज़्यादा, यानी कि ठंड बहुत है। तो अभी फ्रेश हो जाने के बाद से मैं थोड़ा स्वेटर पहन लेता हूँ। और सुबह का वक्त, ये सुबह का वक्त नहीं है, ये लगभग 12-1 बज रहा होगा उस वक्त का बात है। और मतलब इतना ज़्यादा ठंड है, अचानक से गर्मी से ठंड, तो मुंबई वाले लोग आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। ठंड में ठंड पड़ता है, गर्मी में पूरा गर्मी पड़ता है एकदम चहल के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका भाई रेडी हो चुका है बम विस्फोट करने के लिए। तो लव यू, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मॉर्निंग हो चुका है, मैंने हाथ धो लिए, एकदम फ्रेश हो गई। आज काफ़ी लेट हो गया था, तो खैर कोई बात नहीं अभी तो, और ये यहाँ सो रहे हैं। कल रात में बहुत काफ़ी लेट हो गया था, कल रात में तो कि 12-1 बज के हम लोग को आते में ही, तो इसलिए मतलब 2-2.5 बज के सोने में, तो इसलिए मॉर्निंग में काफ़ी लेट से हम उठे। और फिर अभी नहाने वाली हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, अब देखते हैं फटाफट किचन में चलते, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो आप लोग समझाते हैं, यहाँ देख सकते हैं दीदी यहाँ पे खड़ी है, अभी तो करिए हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। और यहाँ पे साग बनने जा रहा है, तो बनेगा फटाफट जल्दी। आज काफ़ी लेट हो गया हम दोनों को उठने में, क्योंकि रात में रंजना भी लेट से आई थी ना, तो हाँ हम सोचे कि एक तो लेट से कहीं से आओ ना, तो ऊपर से थकान से नींद नहीं आती है। हाँ, और यहाँ पे भी ऊपर से आए थे हम लोग तो, हाँ ऊपर से हम लोग आए तो ये मेरा वेट कर रही थी, तो आए तो हम लोग जल्दी रंजना का बस एक रिंग मजा हो गया हमको लग रहा है। हाँ, एक कॉल भी नहीं रिसीव कर ली मेरा कॉल। तो हम क्या किए ना कि हम बोले कि हम तो बैठ के अभी अपना डोर भी नहीं बंद किए थे, हमको खुद ही नींद नहीं आ रहा था। हम बोले कि अब आएगी, क्योंकि 12 बजे बाबू बोले थे कि 12 बजे तक आ जाना है, लेकिन वेट करते करते 12:20 हो गया था तब कॉल आया। फिर हम बोले कि अच्छा, हमको लगा अभी नीचे है, तो रंजना यहाँ पर खड़ी थी गेट के पास, तो फटाक से गेट खोले पहले गेट बाद फिर बोले कि नहीं उठी। हम रूम के अंदर थे इसलिए हमको नहीं सुनाई दिया, जैसे ही कॉल की तो फिर हम उठ के गेट खोले, फिर हम लोग मिले, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और फिर आए तो ये गरम गरम जल्दी से सब्जी गरम की, फिर रोटी बनाई, तो हम लोग खाए भी, काफ़ी भूख भी लग गया था, हम लोग बस में कुछ खा भी नहीं पाए थे, ऐसे थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा घर का। तो हम लोग ने ये बोल भी रहे थे कि हम लोग खाएँगे, हम जाएँगे, तो फिर भी खाना बना कर रखी थी, फिर हम लोग खाएँ।
और फिर उसके बाद कितना अच्छा लग रहा है रंगीना ब्लॉगिंग कर रही है। क्या अच्छा लग रहा है। अब हमको भी मतलब कि करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग इस लाइन में है तो हमको भी अब हालांकि हमको उतना ब्लॉगिंग करने नहीं आता लेकिन अब हमको धीरे धीरे सीख रहे हैं सीख जाएंगे और देख सकते बाहर एकदम बिल्कुल भी धूप नहीं काफी ठंडी कर रखा है ना फिर हम लोग छत पे चले गए। हाँ कपड़ा भी हम लोग अभी दीदी मेरा शूट करी तो फिर हम ऐसे शूट कर रहे थे दीदी बोली कि लाओ हम तुम्हारा शूट कर दे रहे हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिस्किट और चाय खाने बाकी मम्मी जी पापा जी को दे दिए हैं और फिर अभी नाश्ता हम लोगों ने सुबह सुबह आशीर्वाद भी ले लिए मम्मी पापा से है ना। आज तो काफ़ी लेट हो गया था सोचे नहीं थे कितना लेट हो जाएगा अभी लाइट भी कट गया था पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। खैर कोई बात नहीं वो तो लाइट है तो वो तो कभी भी आएंगे जाएंगे और यहाँ अब चलते अब हम दोनों जल्दी काढ़ा वगैरह है हाँ बिस्किट भी रखे थे हम लोग साथ में बिस्किट खाएंगे पर काढ़ा एकदम ठंडा हो चुका है और यहाँ भुजिया बन रहा है इस तरफ साग को दूर डाल देते हैं ना तो अब हम लोग दोनों को मिलकर बना रहे हैं ताकि अच्छा रहेगा जब साथ में तो साथ लगेगा और इसी तरह हमारा टाइम भी पास हो जाएगा कि चलो कम से कम हम दोनों साथ में तो किचन में अकेले उतना मज़ा भी नहीं आता है दो जन साथ में रहते हैं ना तो मतलब कि हर एक काम करने में भी मज़ा आता है और फिर अच्छा भी लगता है कि चलो कम से कम दो जन हैं साथ में तो कुछ भी हो जाएगा जैसे अगर कुछ हमको कुछ भी नहीं तो दीदी से पूछ लें कि दीदी ऐसे आप बता दीजिए कैसे क्या करना है ये मेरे को बता दे कि इडली देने और फिर आज हम लोग रील भी शूट करेंगे अच्छा सा रील आएगा आज एकदम मस्त रील शूट करेंगे क्योंकि हम दोनों का ड्रेस ना मतलब सेम है जैसे कपल नहीं पहनता वैसे हो गया हम दोनों एकदम मैचिंग भी पहन लिए हैं इनका पिंक दुपट्टा तो मेरा येलो है और इनका जो कुर्ती है हमारा येलो तो रंजना का है पिंक पर रंजना का पिंक के साथ येलो भी है तो अच्छा लग रहा है और इस टाइप का पटियाला सूट मतलब आप लोग देखे होंगे बहुत सुंदर लग रहा था जब वहाँ पे भी गई थी तो बाकी गोवा में पहन लिए थे तो मतलब कि हमको थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था लेकिन सब बोल रहा था कि ऐसे लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसा जैसा मन होता है ऐसा पहन सकते हैं बहुत सारे लोग मतलब कि कुर्ती वगैरह भी पहन रहे थे मतलब बहुत कम अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ जाओ तो शॉर्ट्स वगैरह क्योंकि सूट अब क्या था ना रंजना पटियाला सूट भी लेके आए तो इसका वो भी मन था मतलब पहनने का और सबसे अच्छी बात ना कि जाना था वहाँ पे तो जाते जाते एकदम वो ऐसा नहीं क्योंकि ड्रेस वगैरह का भी खरीदना था इसलिए थोड़ा सा वो हो गया बाकी उसके बाद आप लोग देखा होंगे मज़ा आ गया होगा जब रंजना पहनी हुई थी ड्रेस फिर कुछ देर के लिए भी पहनी फिर मतलब कि रील वगैरह सूट कर बोले कि थोड़ा इस ड्रेस पे भी सूट कर लेते उसके बाद मतलब कि हटा देंगे तो फिर हम चेंज भी कर दिए इसमें अब डलाइया एकदम चूर हो गया है ये मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल करता है ना तो एकदम मतलब अच्छा लगता है अभी पड़ने वाला है हल्दी नमक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्राई हो रहा है तो अब उसमें डालते हैं गाइस हल्दी नमक बाकी यहाँ पर भी बना रही है आप लोग बने थोड़ा देर के बाद मतलब कि डालेंगे तो आप उसको दिखाएंगे कि हल्दी नमक हल्दी क्योंकि थोड़ा ये फ्राई हो जाए तेल है ना तो थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा ऐसे हरे हरे सब्जियाँ खाना चाहिए बहुत सही होता है बाकी अब हम लोग चाय पी लेते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं काफ़ी फटाफट फिर हम लोग का पत्थर की तरह होते भी रहेगा क्योंकि तीन मतलब गैस है ना तो इससे मतलब दो जल्दी से चला देते हैं तो हो जाता है इसकी लाइन थोड़ा कम कर देते हैं चाय पी लेते हैं बाकी आप लोग बने रहिए तो यहाँ पे हम और दीदी जा रहे हैं चाय और बिस्किट खाने और यहाँ आ चुका है चाय और बिस्किट देखिए चाय और ये लेमन टी है वैसे क्योंकि जो होता है ना चाय वो वाला अभी हम लोग सुबह सुबह नहीं पीते हैं क्योंकि हमारे घर में पहले सुबह सुबह काढ़ा पीते हैं सब लोग मेरा काजल पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है मेरा भी पता नहीं क्यों एकदम ना काजल लगा लूँ तो अजीब सा होने लगता है आँख के नीचे से दांत दिखने लगता है मेरा भी अभी लगा मेरा तो आँख एकदम धस गया है सब लोग
मेरी मौसी भी बोल रही थी कि थोड़ा पहले से पतली हो गई हो, खाने पीने पे ध्यान दो। हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं चाय बिस्किट खाते हैं। सारे पत्ते तो यहाँ देख सकते हैं, लेमन टी रखा हुआ है, यहाँ दीदी कटोरा मिल रही है, अब मेरा कप में है। हम बोले कि नहीं आप कप में ले लीजिए, तो बस हम लोग जा रहे हैं। जैसे पहले ठंडा हो गया होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बिस्किट बोल के खा लेंगे। वो वाला ये वाला बिस्किट पता है मेरे को, उस वाले की ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। हाँ ये तो हम बोले मैं बात देते हैं खाने का मन हुआ तो खाने में, तो आगे हम खाने जा रहे हैं, चाय और बिस्किट खाते हैं। उसके बाद तब तक किचन में खाना बन रहा है, तब तक फटाफट जल्दी से खा लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भुजिया हो रहा है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार, मैं ज़्यादा तीज ना कम। इसके बाद मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर देख सकते हैं। यहाँ पे हल्दी और फिर नमक ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे अभी फ्राई हो रहा है, अच्छे से फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे पालक बन रहा है, तो पालक में भी अभी मैं हल्दी और नमक नहीं डाली हूँ, तो अब इसमें डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, कितना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। गाइस ये इवेपोरेट हो रहा है ना, जिसके कारण ये थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा, तो क्या आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो फिर जब बन जाता तो फिर मैं बाद में आप लोग से दिखाती हूँ। बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, और मम्मी कल सो गई थी, तो सोए में तो परिणाम नहीं हुआ, तो इसलिए सुबह सुबह। तो कैसा लगा आपको ट्रेन में? सुने बहुत ज़्यादा बैग चोरी किसका हो गया था? एक थी सब्सक्राइबर हम लोग का, वो पूरे सामान लेके जा रही थी, उसी वाने किया देखी है हम लोग को। तो सामान लेके जा रही थी, बैग रख दी थी सीट पे, जा रही थी सामान लेके। तो ये घटना के बाद तो बहुत खराब लगता है ना आपका भी? तो एक बार हम और आप सोए हुए थे, तो उठा के लेके भाग गया था सब। मनीषा को हम बोल रहे थे बार बार कि तुम अपना पर्स अपने पास रखो, इसलिए ब्लैक अच्छा सा दुबई से लाई है, वही था पर्स उसका। तो हमको लग रहा था कि कौन देखेगा तो बोलेगा कि इसमें ज़्यादा माल होगा, तो हम उसको बार बार माना कर रहे थे तुम अपना अच्छा से रखो, तुम अच्छा से रखो। तो रखी थी, फिर सीट के पर ऊपर सोई थी, तो नीचे हम लोग सोए थे, हम सोए थे। तो एक था आदमी दारू पी लिया था पूरा जम कर। तो बताइए सब लोग उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है रंजना को, क्या सुंदरता को लेके, इस पे आप क्या कहिएगा? सर्वगुण है उसमें, सुंदरता की कमी है, बहुत सुंदर है। जो आदमी ऊपर से भले थोड़ा सा इधर उधर दिल के साफ होना चाहिए, तो अच्छी है जो भी है। मेरे दोनों बहू अच्छी है। तो कोई बोल रहा है कि कलर ऐसा है वैसा, फिर इस पे आप क्या कहिएगा? कलर कुछ नहीं होता है, मायने नहीं रखता है, सीरत सबसे मायने रखता है। और उसमें कुट कुट के वो सीरत भरा हुआ है। प्रिंस हमको रात में नहीं आए पैर छूने, लेकिन वो आके हमको जगा के पैर छूने, अभी दो तीन बार आई है वो जगाने, मम्मी उठिए, पापा को भी फ़ोन किया नाश्ता करने के लिए। लेकिन हम सपना इतना डेंजर सपना में पड़े थे, पहले पता चला है कि उसी के घर से लोग आ रहे हैं। क्या देखिए? तो हम वही देख रहे थे, उसी के घर के सामने देख रहे थे, सपना देख रहे थे कि सगाई होने जा रहा है तुम्हारा रंजना के साथ। और पता ना क्या कह दिया रहा उस रंजना से उसके पापा से, तो वो लोग उठ के चल गया है, बोला है लोग कि आज के डेट में नहीं होगा, दूसरा दिन होगा। अब पंडित जी को घुस दे के सिखा दिया है लोग, बोल दीजिए कि साइत नहीं है। तो हम लोग अब आ गए हैं घर, और वो भी आ गए, वो भी चल गया है लोग। तो फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग बोला था तभी हम डेट रखे थे और सब अथी निकाल कर। चलिए आपका सुबह का सपना है, पड़े थे आज सुबह का सपना है आपका। चलो आके बोलिए दोहरा के सगाई थोड़ी है, आके बोलिए कि मम्मी उठिए ना, उठिए ना, हम जग गए हैं, लेकिन मेरे सिर में काफी दर्द अब होने लगा है, सोने के टाइम नहीं कोई जगाता है हमको, चाहे जितना सो ले, यहाँ पूरा टनक रहा है। अब सपना में रहते हैं तो और नहीं।
तो चलिए अब तो बात होते रहेगा और अभी बहुत सारा चीज पूछना है मेरा गिफ्ट भैया लेके आएगा। अच्छा जगह नहीं था इसलिए अभी तो इतना सब मैं तुल छोड़ के आ गया था एक झोरा वहाँ पर इसका कपड़ा उपड़ा तो मेरा जैकेट भैया को दे दिया वाइट वाला। क्यों ले लिया? बोला कि हमको अच्छा लग रहा है दे दीजिए। हमने ठीक है कोई बात नहीं ले लो। चलिए तब ठीक है पर यहाँ पे तो ठंडा है मेरा आपने जैकेट नहीं है। अच्छा उजला ही? हाँ उजला नहीं है तो पहनता था ग्रीन कलर का तो वो दिया बोला ये भी नया खरीदा है ले जाइए हम भले आएंगे तो ले आएंगे ये है तो पहने का पार्टी में पहना है। हमने कोई बात नहीं है उसका तुम लेके पहनता है तुम्हारा भी लेके पहनेगा बोला कि इसी बोलते वो अच्छा कपड़ा खरीदा है नहीं खरीदता है बढ़िया कैसा लोग खरीदता है हमें इस बार हम लोग खरीदे हैं जाके वो भी बोला है कि ये लेंगे उसका पसंद का है वाइट वाला छोड़ दो तुम तो बोला नहीं ना आएंगे तो ले आएंगे। चलिए गए अभी मम्मी को थोड़ा तब अभी आप लोगों को लग रहा होगा सुबह नहीं है और यहाँ पे तो अलग ही है गोवा में कुछ अलग ही था मुंबई में कुछ अलग ही था। अम्बाला रोज हम लोग 12 बजे उठ रहे थे सो गए इसीलिए आदत है तब फिर उठे हैं फिर सो गए हैं लेकिन यहाँ 9-10 बजे सो गए थे। तो गाइस फाइनली आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम लोग क्यों इतना जल्दी आए हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि रंजना के घर से आने वाले हैं लोग और वो भी क्यों तो खिचड़ी का कुछ लेके और पता नहीं शायद पग फेरा का भी डेट रखा है। क्या लगता है आपको क्या पग फेरा कब है? अब देखें आ रहा है लोग उसके बाद बात करेंगे पग फेरा होगा तो फिर मनीषा को यहाँ रुकना पड़ेगा तो वो जाएगी तो ये रहेगी ये जाएगी तो वो रहेगी अब तो अकेले हम लोग नहीं रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है ठंडा का दिन है थोड़ा सा और बहुत दिनों बाद आप लोग देखे होंगे वीडियो में ऐसे बात करते हुए आप लोग भी बहुत मिस किए होंगे। मम्मी तो इधर देख रहे हैं धड़ाधड़ व्लॉग डाल रही हैं आजकल अच्छा बात है ना आप एक्टिव हो गई हैं चलिए ठीक है बहुत बढ़िया बात है पर देखा जाएगा कि कम आए पर अच्छा है कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे जितना भी है बहुत सारा सामान वैसे ही पड़ा होगा अब जो है धीरे धीरे पूरा कुछ साफ किया है अब ये सब पीछे गए यहाँ कर लेंगे उठा पोछा लगने के लिए सफाई करना है। तो अब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे लोग मम्मी को उस पार्टी में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा और उसके बाद से धीरे धीरे जो है पार्टी के बाद से उसमें कौन सा गिफ्ट इनको पसंद आया था ज़्यादा मतलब हम जो मिला है अभी तक वैसे सबका प्यारा ही गिफ्ट होता है पर इस बार हम लोगों को जल्दी जल्दी में ना हम अनबॉक्सिंग कर पाए ना कुछ शायद आप लोग वीडियो तो देख ही लिए होंगे पर अब हम जो तो है बता ही दिए थे कि सचिन का वहाँ किया था शादी का फंक्शन यहाँ पर किए थे जब उसका एनिवर्सरी वाला। हाँ तो जितना भी गिफ्ट मिला था एक गिफ्ट हम नहीं ओपन किए थे ना हम लोग रखे हैं सब दे दिए लोग उसको ले गया अपना तो दूल्हा दुल्हन के लिए ही मिलता है। खैर गिफ्ट का गोली मारो बहुत गिफ्ट नहीं चाहिए था अनबॉक्सिंग करना जरूरी था। गिफ्ट के लेके बहुत लोग हमको बहुत बहुत कुछ बोल दिया है लालची है तो ये है तो वो है। गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग को गिफ्ट बोला है लोग लालची का है अगर हम 1 साल में 5 लाख रुपया इन लोगों को पढ़ाने के में लगा सकते हैं तो 1 साल में कितना सामान खरीद सकते हैं हम। छोड़िए ऐसा कुछ नहीं है गाइस हम लोगों को मेन मकसद क्या था बता देते हैं भैया भी इस पर बोल भी दिया है तो हम लोगों को गिफ्ट का कोई भी लालच नहीं है। अब जिसको लालच होगा उसी को लगता होगा लालच उसके ही पास होगा चाहे मेरे पास होगा तो उन्हीं लोगों काम आएगा उन लोगों का होगा तो मेरे काम आएगा वहाँ पे रहेगा तो उन लोग भी देगा किसी को लेकिन किसी को दिया हुआ फिर वो लोग दे रहा है तो उसमें पता चलता है यूट्यूबर को तो दे नहीं सकते हैं। हम लोग हैं तो यहाँ पे शादी ब्याह होगा घर पटीदार दर्द में तो काम चल जाएगा उससे। चलिए अभी बहुत सब अभी बहुत कुछ देखना बाकी है हम लोग बहुत कुछ देख के यहाँ तक आए हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही बनाए यूट्यूबर आ गए। हम लोगों को मन था कि हम लोग मेरा मन था पर्सनली हमको गिफ्ट जो है मिले ना मिले उससे नहीं हमको दिखाने में ज़्यादा पसंद लगता है अनबॉक्सिंग करने में कुछ मज़ा ही कुछ और होता है पर कोई बात नहीं है आप लोग वीडियो देख लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार है हमारे तरफ से और सबको दिल से। तो चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे उन्हें वो शायद खाना बना रहा था लोग मिलके ठीक है स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुको इधर हम ये बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग
सुंदरता के ऊपर कमेंट मत कीजिए, इसलिए कि मेरे दोनों बहुएं काफ़ी सुंदर हैं और रंजना भी बहुत सुंदर है, और उसके बारे में ऐसे कमेंट करके आप लोग उसका मन को ठेस मत पहुंचाइए। हर कुछ दिखाया जाता है इंसान का, और वो है मेरे इतना मेरे जैसे ही साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और आप पतली थी पहले ना? पहले हम भी पतले थे तो एकदम कलर भी डाउन था, लेकिन जैसे जैसे शरीर होगा वैसे सब सही हो जाएगा। और ये सब गलत नहीं बोलना है, ये सब बेकार बात है। चलिए गाइस, कुछ तैयारी करना है और कुछ गिफ्ट भी लाए हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग देंगे मम्मी सबको और दिखाएंगे क्या क्या लाए हैं क्या क्या नहीं। और अभी जो आने वाले हैं उनका वेलकम करने के लिए तैयार है, शायद वो लोग आते आते शाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग सब चीज़ आराम आराम से हो रहा है, क्योंकि इतना ठंडा है पता ही नहीं चल रहा है समय का। तो एक ही बार गर्मी से हम लोग को फेंक दिया गया है ठंडा में। बहुत गर्मी गर्मी कर रहे थे। कौन सा ड्रेस तुम पहना है? बुल्लू बोलू बुल्लू पहने हैं तो वही बोली है, कम्युनिकेशन अलग पहनना चाहिए वो जल्दी जल्दी में। तो गाइस ठंडा में तो सबको ठंडा लगता है, तो आज सिंगी भी ड्रेस मस्त पहन रही है और यही पहनी थी, धंगार दी थी, तो इसको मम्मी अभी धो भी नहीं रही हैं, इसलिए कि धो देंगे तो फिर एक महीने का छुट्टी हो जाएगा। पिन देखा, पिन देगी सब है तो ऐ रंजना पिन दो, सेफ्टी पिन जल्दी से। तो गाइस फाइनली अब आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मस्त मस्त जो है आज कोई आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी भी चल रही है और चल रहा है। तो ड्रेस सबसे पहले बेड जो है वो सही किया जा रहा है, और कुछ कुछ चेंज होगा, बेड सेट चेंज होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग आए नहीं थे, पर फिर भी हम लोग का जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही था, एकदम सेम बलून देख सकते हैं वैसे ही के वैसे ही, ना एक फूटा है ना कुछ, बस थोड़ा सा साइड साइड से पता नहीं क्या है ये निकल गया है, सब में देखो ना क्या क्या निकला है। चलिए ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा था बलून में, लग रहा ठंडा मार दिया है सबको भी। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है रंजना? अभी भाई अब तो लग रहा है ऐसे गोवा ही ठीक था ना जी, हैं गर्मी था पर ठीक था, ठंडा से तो बढ़िया था, कम से कम रोज नहाने को तो मिल जाता था ना रंजना। अच्छा पापा जी आ गए, आज कितना बजे नहाई हो तुम और कैसे नहाई हो? आज तो लाइट भी नहीं था तो एकदम ठंडा पानी से झील ली है पूरा देह पे।